ग्रेटर नोएडा में व्यापारियों द्वारा किए गए भारत बंद का असर देखने को मिला। केमिस्ट व ड्रगिस्ट की दुकानें बंद रही। लोग जगह जगह एकत्रित होकर ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री का विरोध करते नजर आए। सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों ने जिला कार्यालय सूरजपुर में प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने मांग की कि ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री बंद हो। व्यापारियों का कहना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पिछले दरवाजे से प्रवेश देकर सरकार छोटे व्यापारियों को खत्म करना चाहती है। व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन दवाई आ जाने से व्यापारियों की जीविका खतरे में नजर आ रही है। मौजूदा नियम वॉलमार्ट को भारत में काम करने की इजाजत नहीं देती है, लेकिन फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी करने के बाद यह पिछले दरवाजे से बाजार में उतरने की तैयारी कर रहा है। ई फार्मेसी के विरोध में दवा विक्रेताओं ने शुक्रवार को एक दिवसीय हड़ताल रखी। इस दौरान विक्रेता एक दिन मेडिकल स्टोर बंद कर ग्रेटर नोएडा सूरजपुर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते नजर आए। और हम लोग हड़ताल पे इसलिए आए हैं कि ऑनलाइन जो बिक्री हो रही है ये अनऑथराइज तरीके से हो रही है। इसमें जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं एल्प्रेक्स है, फोरेक्स है और बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो नशे में प्रयोग होती हैं, उन दवाइयों को ऑनलाइन फ़ोन पर मंगाया जाता है। इससे युवाओं में इसकी प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसलिए हमको मजबूर होकर हड़ताल पर आना पड़ा। जीवन रक्षा प्रणाली से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम लोग हड़ताल पर नहीं आना चाहते थे, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर किया हड़ताल पाने के लिए, इसलिए हम हड़ताल पर आएंगे। तो हमारी मांगे हैं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो आज तो एक दिन की हड़ताल है, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। सरकार से हमारी दूसरी मांग है कि औषधि प्रशासन एवं खाद्य विभाग द्वारा सभी लाइसेंसधारी जितने भी हमारे दवा व्यापारी हैं जिन्होंने अपने लाइसेंस लिए हुए हैं, उनको 30 नवंबर तक ऑनलाइन पोर्टल पर डिटेल अपनी अपलोड करनी है, जिसमें कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं जिसको लेकर शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन उन पर अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। हमारी सरकार से मांग है कि इसमें जो भी आप कागज़ मांग रहे हैं उनमें जो व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं उन्हें दूर करें, अन्यथा हम इसके विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। सरकार को ये भी अवगत कराना चाहते हैं कि आपने पोर्टल पर जितनी भी जानकारियां मांगी हैं वो आपके पास पहले से ही होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने लाइसेंस जारी किया है तो आपने सारे सबूत, सारे पेपर, सब कुछ लेके ही आपने लाइसेंस जारी किया है। जब सारे डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से हैं तो दोबारा पेपर देने की क्या आवश्यकता ऐसी पड़ गई? क्या पेपर कहीं आपने रद्दी में बेच दिए? क्या पेपरों पर घोटाला हुआ है या अधिकारियों ने पेपरों को जला दिया? वो पेपर आपके पास सुरक्षित होने चाहिए, आपको उन्हें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। आप वो पेपर हमसे दोबारा क्यों मांग रहे हैं?